जूनागढ़ गाड़ोदरा विस्तार में डी डिविजन तरफ थी तेरा तुस्को अर्पण कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में चोरी थयेल मोबाइल बाइक छेतरपिंडी में गयेल सामान अने लूंट में रिकवर करेल रकम मालिकीना लोकोने परत करवामां आवी हती। डिंडोली में मेडिकल प्रवेश नामे थयेल लाखों रूपयानी छेतरपिंडी में पण रकम रिकवर करी भोग बननार ने परत आप्या हता। आ कार्यक्रम में त्रण पोलिस स्टेशन मळीने कुल 50 लाख थी वधुनो मुद्दा माल परत अपायो हतो। कार्यक्रम में पोलिस कमिश्नर अजय कुमार अने तमाम उच्च अधिकारियों आ कार्यक्रम में हाजर रह्या हता। पुलिस सुबह भी तोड़ती है, रात को भी तोड़ती है, आपको दिखती है गाड़ी तोड़ती है या नहीं दिखती है? पैदल भी घूमते हैं, मोटरसाइकिल पर भी घूमते हैं, तो घूमने के लिए नहीं घूमते, वो यही देखते हैं कि कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को। कहीं भी यदि किसी को कोई परेशान करता है तो पुलिस तात्कालिक पहुंचती है, उसकी तकलीफ दूर करते हैं। और लोकतंत्र में पुलिस के सही काम करने का तरीका यही है। यही सूरत सिटी पुलिस और ये सभी अधिकारियों को भी मैं अभिनंदन देता हूँ। उधर भी जो पीआई साहब बैठे हुए हैं, हमारे पुलिस के जितने कर्मचारी ये चारों तरफ खड़े हुए हैं, चाहे डी स्टाफ हो, चाहे बीट का आदमी हो, चाहे चौकी का आदमी हो, वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं तब गुनहगार पकड़ा जाता है। पकड़ने की टकावारी प्रतिशत जितनी आज की तारीख में सूरत में है, ऐसी आपको अमेरिका और लंदन में और कहीं भी दूसरे देशों में भी नहीं दिखती, कहीं भी नहीं दिखती। और आप लोगों को इसका आनंद है, मुझे भी इस चीज का गर्व है कि हमारी टीम मतलब मेरी टीम ने सूरत सिटी पुलिस किसकी पुलिस है, आप लोगों की पुलिस है। सरकार का हमें इस बार में पूरा मार्गदर्शन मिलता है, सरकार की पूरी सपोर्ट है। सरकार की भी नीति यही है कि किसी भी नागरिक की कोई भी तकलीफ हो तो उसको दूर करने में पूरा प्रशासन और पुलिस पूरी मदद करे। आप अपने अपने इलाके में जागृत रहिए, कोई भी तकलीफ हो तात्कालिक पुलिस स्टेशन में जाके बताइए। पुलिस स्टेशन में काम नहीं होता है तो एसीपी साहब ये बैठे हुए हैं इनके पास जाइए, फिर डीसीपी साहब वो बैठे हुए हैं गर्मी साहब उनके पास जाइए, वहाँ भी तकलीफ दूर नहीं होती है। तो यहाँ हॉल साहब बैठे हैं, ये सभी बहुत अनुभवी अधिकारी हैं। और यदि किसी कारण से यहाँ से भी आपको संतोष नहीं मिलता है तो आप सीपी ऑफिस में मेरे पास आके बताइए, मैं पूरी ताकत के साथ ट्राई करूँगा कि जो भी तकलीफ हो तकलीफ दूर की जाए।